नगर परिषद कुल्लू के विभिन्न वार्डों में पार्किंग व अन्य निर्माण कार्यों को तेजी दी जा रही है। वहीं गांधीनगर में भी अब लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 11 में लोगों को लंबे समय से पार्किंग की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था, जिसके चलते नगर परिषद कुल्लू ने अमृत योजना के तहत पार्किंग का कार्य शुरू करवा दिया है। बोर्ड के चेन्नई नाला के पास ही पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि तकनीकी समस्या के चलते पार्किंग का कार्य पहले कुछ समय तक लटका रहा, लेकिन अब यहां 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्किंग के बनने से यहां 150 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि कुल्लू नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में सामुदायिक भवन के साथ सरवरी नदी में 50 लाख रुपए की लागत से पैदल पथ का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सामुदायिक भवन में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान लोगों को यहां से गुजरने में आसानी हो सके। इस रास्ते के चौड़ा होने से वार्ड में आने वाले वाहन व लोगों को दिक्कतें नहीं झेलनी। जैसे गांधीनगर जो है एक बहुत बड़ी जरूरत है, जहां पर जैसे दशहरे के टाइम पर और ऐसे कहीं भी जब भी है बाहर गाड़ी खड़ी होने के लिए कहीं भी जगह है। इसके देखते हुए नगर परिषद 2 जगह जो है पार्किंग चेंज की, एक जो है अपना चिकनाई नाला जो त्याणी चतु चिकनाला बोलते हैं वो शास्त्री नगर में है, और उस पार्किंग के लिए जो 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि जो अमृत को समृद्ध हुई है, जिसमें कि बड़ी अब जोरों शोरों से जो काम चल पड़ा है, क्योंकि ये टेक्निकल कुछ उसमें जो टेक्निकल बाधाएं आई थी जिस करके वो कार्य रुक गया था, लेकिन अभी जो है 4-5 दिन से जो बिल्कुल जोरों शोरों से चला हुआ है और बहुत जल्दी जो है ये पार्किंग जो है 2 स्टोरी बनकर जो है कम्प्लीट हो जाएगी। इसमें जो कम लगभग जो है 200 गाड़ियों के ऊपर नीचे जो है प्रावधान होगा, जिसमें जो इतनी गाड़ियाँ जो आ सकेगी। इसके अलावा जो है IPS वाला नाला है, वहाँ पर भी 1 करोड़ की जो पार्किंग है, वहाँ पर जो उसका बजट है पुराना पड़ा हुआ, लेकिन उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई इस करके वो पार्किंग पेंडिंग है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी जो है उसे भी शुरू किया जाएगा। इस हिसाब से गांधीनगर में जो शास्त्री नगर में बड़े अच्छे पार्किंग का प्रावधान है, जैसे कि यहाँ पर अब हम इस जगह जो है वार्ड नंबर 6 लोअर ढालपुर में है, और ये बड़ा हमारी जो कर्म भूमि रही है, मेरी हमेशा ही यहाँ से लोगों ने बहुत प्यार मिला है, और यहाँ पर जो अब जो है ये लगभग यहाँ से जो है 8 बाल लगकर जो है यहाँ हमारा जो रामा समुदाय का जो बहुत बड़ी यहाँ प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर फंक्शन होते हैं हमारे, इसके लिए जो है बाहर से दिया का विषय कटा रहता था, इसलिए जो बाहर 8 बाल लगा कर जो है एक रास्ता जो साथ में और दिया जा रहा 8 बाल लगा कर, ताकि जब यहाँ फंक्शन हो तो जो हम हमारा जो रास्ता है ये हमेशा उस पर जो बंद हो और बाहर से लोग जाएँ, इसके लिए जो है लगभग 50 लाख 60 लाख का जो है अभी टेंडर हो चुके हैं, 40 लाख के जो टेंडर जो लग रहे हैं, तो इसमें जो साफ 40-50 लाख का जो है इसमें जो इसमें लगेगा, उसके बाद जो है आगे क्रेड वार लगेंगे और लगभग ये पूरा जो है 200 मीटर 250 मीटर का जो एरिया है ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही जो है ये काफ़ी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट से जो है यहाँ ये बॉर्डर वायर लाकर जो है आर वाल ये अपने खंभे देकर जो है इसमें जो प्रोटेक्शन जो बॉर्डर वायर लगाई जाएगी, जिसमें जो पेवन बाग जो उसमें, और इसके साथ जो आगे जो है एक अपना घाट बन रहा है, जिसके लिए कि 10 लाख रुपए जो सब्जी तो होते हैं, और घाट बनेगा यहाँ लोगों के लिए, और वहाँ पर जो है पेवर से फुटपाथ बनेगा, और इस साथ आगे साथ में जो एक और फुटपाथ जाएगा जो नीचे जो कॉलोनी है अपने भोलाराम जी का मकान है या हरिंदर आरू जी का मकान है वहाँ तक जो है ये इसका पेवर लगा, और इस हिसाब से कम जो है, और इसके साथ ही एक हमारा जो पार्क है जो चिल्ड्रन पार्क हमारा है वो बिल्कुल उसमें लगा, उसमें लगभग वो भी 40-45 लाख रुपए का जो है अपने ये प्राइमरी स्कूल के साथ आगे जो बन रहा है, और उसके लिए भी 40-50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया बजट का, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है कम से कम 1.5 करोड़ का जो है अभी नो डालपुर में जो है 12 नंबर 6 में बजट लग रहा है, और इसके साथ ही हमारे जितने भी पेपर थे सारे 12 नंबर 6 में कम्प्लीट हो चुके हैं, और इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट जो हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा जो है काफ़ी 1.5 करोड़ के लगभग जो है यहाँ पर जो और जो डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं, इस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छे जो सुविधाएं होगी, सबसे बड़ा जो हमारे जो ये जलघर है इसके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी, मैं हम चाहेंगे 18 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारा जो है ये रामास्थान। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।